हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूनम राजपूत और आप देख रहे हो पूनम रिएक्ट्स। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है रमज़ान से रिलेटेड, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं रमज़ान से रिलेटेड ऐड जो हैं और इमोशनल ऐड उनका रिएक्शन करूँ। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ जिस वीडियो का टाइटल है रमज़ान रिलेटेड इमोशनल ऐड। तो मैंने पहले भी एक वीडियो की है इमोशनल ऐड की, उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा इमोशनल ऐड थे। तो अभी देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारे से, इतने लंबे लंबे से ऐड थे ना, वो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो अभी देखने वाली हूँ मैं कि ये वाले ऐड कैसे हैं जो रमज़ान से रिलेटेड हैं। तो रमज़ान से रिलेटेड तो वैसे भी थोड़े से अगर इमोशनल हैं तो बहुत ही और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड ऊपर से और इमोशनल है, तो दोनों चीज़ें साथ में देखना बहुत अच्छे ऐड होंगे आई थिंक, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो साथ में देखेंगे इन एड्स को। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओरिजिनल क्रिएटर को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, बाद में करेंगे इसके बारे में बातें। अम्मी कहती है मैं रोजा नहीं रख सकता, छोटा हूं ना। बट मेरे पास एक प्लान है। बेहुनर को कुछ हुनर दे, बंदा कर देना, हर नजर में नूर अपना ऐसा भर देना। बस नेकियों के रास्ते तुम हमको दिखलाना, और रंजिशों में भी मोहब्बत हमको सिखलाना। एक इबादत रूह वाली मान ले मालिक। हीना आपा के साथ मेरा झगड़ा है, पर मैंने उन्हें माफ कर दिया। थर्ड फ्लोर वाले अंकल कभी बॉल वापस नहीं देते। हमसे दो नाराज आंखें फिर से मुस्काए, सब सलामत तेरा जो कदम हो जाए। बिन लिखे सब अर्ज़ियां तू जान ले मालिक। फिर भी आज मैंने उनसे दोस्ती कर ली। दादी लव्स खजूर, अब काम आएगी मेरी पॉकेट मनी। बंदगी में जल का सरगो माफ कर देना, हो कहीं जो दाग दिल पे साफ कर देना। अहमद चाचा, आजाद, जीनत, जोया सबके लिए अम्मी खाना बना रही, तो अम्मी को थोड़ा हेल्प करता हूँ। अम्मी ने सही कहा, रमजान सिर्फ रोजा से नहीं, छोटी छोटी अच्छाई से भी मनाया जाता है। बड़ी हो या छोटी, हर अच्छाई लाए ढेर सारी दुआएं। वाह, कुर्ता ये तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
पहले भी देखा है, जब मैंने इमोशनल ऐड देखे थे ना उसमें, बहुत अच्छा ऐड है। गरम समोसे, जलेबी गरम। अरे क्या कर रहे हो? आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है, आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। माह मुकद्दस में रोशन जाए, माह मुकद्दस में रोशन जाए। चले भी नहीं है रिश्तों ने आकर किया समा खुशनुमा है हमारे आज लिए। मेरी बाकी ये सब इन प्यारे बच्चों के लिए है। चूमा है आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। मम्मी आ गई। किसी की मदद करना भी एक इबादत है, और मदद करने में अगर दाग लग जाएं तो दाग तो अच्छे हैं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को मदद करने की तरकीब दें। लॉग ऑन टू surfexcel.pk। वाओ, तो एड्स की मैं बात करूं सार, दोनों एड्स, दो एड्स थे बट दोनों एड्स बहुत अच्छे थे। फर्स्ट एड की मैं बात करूं तो फर्स्ट एड में जितना भी दिखाया है, मतलब एक तो वो बच्चा इतना क्यूट से लेते हैं ना, ये और ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाता है एड को देखने में। वैसे एड थोड़े से लंबे थे लेकिन जो देखने में बोरिंग नहीं थे, सबसे बड़ी बात, इतना मज़ा आ रहा था ना। जो फर्स्ट वाला एड था बहुत अच्छा था, जिस टाइप से वो हेल्प कर रहे हैं ना सबकी, कि मतलब सिस्टर के लिए वो गुस्सा होते रहते थे लेकिन उनको चॉकलेट ला के दे रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने बोला ना, मेरी अम्मी कहती है कि छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रखते, तो वो उन्होंने बिल्कुल सही सा एक मैसेज दिया है कि छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रख सकते लेकिन वो छोटे छोटे काम करके भी रोज़े जैसा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उनसे बेचारों से रखा भी नहीं जाता, उनके पेरेंट्स रखने भी नहीं देंगे, और वो बड़े भी बहुत सारे लोग होते हैं शायद नहीं रख पाते होंगे। बट वो कहते हैं ना, जब हम दूसरों के काम आए, दूसरों को माफ़ कर दें, दूसरों से प्यार करें, मतलब जो हमारी नाराज़गी है जिन भी अपनों से, उनको हम माफ़ करके जुट हो जाएं, वो भी पल इबादत का होता है। और सच में वही चीज़ें सैड में दिखाई है। बहुत अच्छा सा मैसेज दे रहा है, बहुत अच्छी सी एक शिक्षा दे रहा है हम लोगों को, कि ज़रूरी नहीं कि हम मतलब रोज़े रखने चाहिए, जो बड़े हैं वो रख सकते हैं तो ज़रूर रखने हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या जो नहीं रख सकते, कुछ बीमार भी होते हैं या फिर कुछ ओल्ड भी होते हैं, वो भी नहीं रख सकते, लेकिन एक ये चीज़ है कि इसमें हमारे जो अपने हैं जिनके हमारी नाराज़गी है उनको माफ़ कर देना, ये वाली शिक्षा जो इससे मिलती है, बहुत अच्छा सा मैसेज मिलता है कि नाराज़गी सारी दूर कर दो, जिनसे भी आप नाराज़ हो, और अपनों के लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें करो जिससे आपको खुशियाँ मिले। वो मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे। और सेकंड वन भी बहुत अच्छा था कि कैसे उन्होंने हेल्प करी है उनकी, उनके वो नहीं बिक रहे थे तो वो जैसे एंड में बोला ना कि वो दाग भी अच्छे हैं जो किसी को चेहरे पे खुशी लाए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। दोनों एडी बहुत थोड़े से इमोशनल थे, थोड़े से अच्छे थे, मतलब बहुत ही प्यारे से, इतने लंबे होने के बाद भी आप इनमें बोर नहीं होंगे, वो वाली चीज़ थी। बहुत अच्छा सा मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप लोग भी इनसे ज़रूर कुछ वो करिएगा, क्योंकि जैसे इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप भी लोगों की मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हो अपनी तरफ से। जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनकी हेल्प कीजिए। जो COVID-19 जो है उसकी वजह से जो डोनेशन, अगर जो डोनेशन वो लगी हुई है कि डोनेट कर सकते हैं पैसा, तो आपको जितना भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मतलब जितने भी आपकी कैपेसिटी है जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से कीजिए, तो वो भी एक तरह से बहुत अच्छा वो है। तो
बहुत अच्छे एड थे वैसे, बहुत मज़ा आया एड देखने में, बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। लास्ट वन मैंने देखा भी था लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ऐड कैसे लगे हैं, मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा है, सारा कुछ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी रोज़े मेरी तरफ से विश है कि बहुत 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 अच्छे जाए, और सब मिलकर दुआ कीजिए कि जल्दी से जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं कोरोना वायरस की जल्दी से दूर हो जाए। तो मिलूंगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।